नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वक्त बीतता जा रहा है और सिलेबस लगभग काफ़ी जगह पर 70-80% कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात है कि सिलेबस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके टीचर ने कंप्लीट कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस अकॉर्डिंग टू टीचर कंप्लीट हो रहा होता है, लेकिन बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस टीचर के अकॉर्डिंग पूरा नहीं कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि उनका लैग चल रहा होता है। वो पिछला रिवाइज नहीं कर पा रहे होते हैं और 11th उनको सता रही होती है, और जो पढ़ रहे होते हैं उसमें भी जब तक वो तैयारी करते हैं तब तक टेस्ट सामने आ जाता है। और जब टेस्ट सामने आता है, सच बताएं, मैं जब एमटेक कर रहा था तो कल मान लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग के किसी पेपर का टेस्ट है तो मेरा बस सिर्फ उसी का पढ़ने का मन नहीं करता था। मन करता था कि एक बार पेपर हो जाए, बहुत जम के सोऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा, सुबह जॉगिंग करूंगा, जाने क्या क्या विचार आते थे। और जब पेपर, वंस द पेपर सा ओवर, ना नींद आती थी ना जॉगिंग करने जाता था, ऐसे विचार आते हैं, घबराहट बढ़ती जाती है। ये जो घबराहट वर्ड है ये लगभग सभी के साथ होता है। जो फर्स्ट रैंक लाएगा माय डियर स्टूडेंट, वो भी घबराया हुआ होता है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस आपको लगता है पूर्णतः कंप्लीट हो गया है तो आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे और सच मानिए उसी दिन आपकी हार होती है। तो जो फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा है उसको भी नहीं पता होता कि यार मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, मतलब वो तो बात की बात है, लेकिन अभी घबराए हुए सब हैं, कोई ज़्यादा कोई कम है। बस बात इस बात की है कितना शांतिपूर्वक धैर्य रखकर आप पढ़ सकते हो। तो इस मोमेंट पे करना क्या है, ये तो मैंने ये बताया कि आपकी हालत क्या है, क्योंकि इस हालत में आप कुछ थोड़ा बहुत भी ठीक से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप जल्दी जल्दी निपटाने के बजाय जो जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं उन पर फोकस करिए, प्रॉपर अटेंशन दीजिए। अभी आपके टीचर आपको मिल जाएंगे, अभी आपके पास बहुत वक्त है, वो टीचर आपको समझा देंगे, एक बार नहीं दो बार तीन बार समझा देंगे। जैसे जैसे वक्त एग्जामिनेशन के पास आता जाएगा, चाहे वो नीट का हो या आईआईटी का हो, आप की व्यस्तता बढ़ती जाएगी, टीचर आपको उसमें फ्री नहीं मिलेंगे और फिर आप परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि टेस्ट आने से 2-3 महीने तक तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके होंगे अगर आप ठीक से अपने धैर्य को, अपनी मन को कूल डाउन करके नहीं चलेंगे। और किसी के कहने से कूल डाउन नहीं होगा मन, मन तब कूल डाउन होगा जब आपको आगे आपका रास्ता सही दिख रहा होगा। तो इसमें जो कुछ भी पढ़ रहे हों उसमें पूरी तरह से, भले ही होता क्या, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल बड़ा बढ़िया सा, सुंदर सा, सुहावना सा, लुहावना सा दिख रहा होता है, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो उस टाइम टेबल को पूरी तरह से फॉलो कर पाए। तो आप टाइम टेबल ऐसा ना बनाइए कि आज मैं सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये करूँगा और 6 से लेकर ये तक करूँगा। टाइम टेबल मोटा मोटा बनाइए एक हफ्ते का कि मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सच मानिए, जब आप चैप्टर्स कंप्लीट करने की बात सोचोगे तो आप इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अच्छे से डिफरेंट मतलब क्वेश्चंस को उसी एक ही पैटर्न के न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से करिए, आप उसको 2-4 तरीके से देखिए, विजुलाइज करिए, आपको लगेगा ये वाला न्यूमेरिकल इन सब में फंडा तो एक कॉमन था, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए और फिर इक्वेशंस आनी चाहिए। जो भी चैप्टर बेस्ड है उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे तो रेडॉक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए या थर्मोडायनेमिक्स का लगा लीजिए, इस तरह पूरा काम हो जाता है। लेकिन हाँ, पीरियोडिक टेबल दिखनी चाहिए, 2p किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, अगर ये सब नहीं दिखता तो पहले पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी नॉलेज ले लें आप। अब बात आती घबराहट इस बात की हो रही होती कि कोई काश हमको ये बताने वाला होता कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो भैया आपको सच्ची बता दें, आप मेहनत दिल लगा के करिए और बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए,
सच्ची में आपका मैं लिख कर दे रहा हूँ 100% सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आज लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इस बात की ध्यान मैं बता रहा हूँ ना, आपके मान लीजिए 630 नंबर आए, आप उसमें सोचोगे उसमें मैं ना रोया होता, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना खोया होता, मैं ना घबराया होता, मैं 15-15 दिन तक घबरा के बैठा रहा, अगर वो नहीं घबराया होता तो आज मेरे 670 मार्क्स होते, 680 होते, या आप 580 मार्क्स पे अटक गए, यानी कि आपकी गवर्नमेंट सीट 50-50 उसमें चलेगी या नहीं मिल रही है। तो आप सोचोगे हाय मैं उसमें नहीं घबराया होता और पढ़ता रहता तो मेरे 20 नंबर और आ जाते, 40 नंबर और आ जाते, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आज घबराने का वक्त नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आज वक्त है कि आप अपना धैर्य रखकर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाकर कि यस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विन दिस रेस, आई कैन डू दिस, यस नो ऑब्स्टेकल विल बी देयर एंड द मीन्स टू इट्स अचीवमेंट विल बी देयर, वंस यू थिंक यू आर एबल यू विल डू ईच एंड एवरीथिंग लाइक एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ विल डिसअपीयर एंड द मीन्स टू इट्स अचीवमेंट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू and nothing can stop a person with high will power. So this is the thing that you should have, high spirit, high will power. Say to yourself when you wake up in the morning that you are an important person, each and everything you will do like an important person. Aur agar aapko lagta hai aap kuch nahi kar sakte, aap bistar se uthoge, उठते समय ये लुंच पुंच की तरह उठोगे, हर चीज़ आपकी एक्टिविटी वैसे ही चल रही होगी, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग माय डियर स्टूडेंट, राइट। तो घबराहट अपने आप चली जाएगी, किसी को मत देखो, चाचा क्या कह रहे हैं, ताऊ क्या कह रहे हैं, पापा डांट रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं। आप अगर सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी के परवाह ना करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और पढ़ने वाला डरता नहीं है। जब नीट का रैंक आएगा वो बोलेगा कि यस आप पढ़ रहे थे, और आज सिर्फ टेस्ट जो हो रहे हैं आपकी कोचिंग में उसके लिए आप पढ़ रहे हो और अपना ठीक से काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ टेस्ट में नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, आप अपनी तैयारी कर रहे थे तब टेस्ट में नंबर आए एक बात, आप सिर्फ उस टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे सब कुछ छोड़ के एक बात। मान लो एक बच्चे ने सिर्फ टेस्ट के पढ़ रहा था, टेस्ट पढ़ रहा था पूरी रात, टेस्ट के लिए पढ़ा और 640 नंबर ले आया, और दूसरा बच्चा बस अपना पढ़ रहा था उसके 630 आ गए, तो ये 630 मार्क्स ज़्यादा हैं 640 से, या वो 690 ले आया और तुम 630 लाए तो ये 630 मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अपनी श्रद्धा से पढ़ाई कर रहे थे, आपने सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा, आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे थे, नीट या IIT को टारगेट लेके पढ़ाई कर रहे थे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी के 700 नंबर आज आ जा रहे हैं और तुम्हारे 650 आ रहे हैं, तो इससे कोई ये सेंस नहीं आता कि उस बच्चे के भी आएंगे। तनिषा यादव मुझसे पढ़ी, आप जानते हो तनिषा यादव के रेंज करते थे 550, 680, 650, 550 ऐसे मार्क्स आते थे, वहीं पे कई कोचिंग में कई बच्चों के 720 में से 720 आते थे। तो क्या इसका मतलब वो बच्चे कमज़ोर हैं? नहीं, वो 3 घंटे 20 मिनट का वक्त किसका कैसा गुजरा, सब बच्चे 600 के ऊपर मार्क्स लाने वाले इक्वली गुड होते हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स कि उसका वक्त कैसा चल रहा है। तो शांति से अगर आप बिना घबराहट के कोई चीज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी द विनर। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।